सोलन में कांग्रेस ने भी सोलन के चिल्ड्रन पार्क में यशवंत सिंह परमार की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने की। सभी कार्यकर्ताओं ने यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर हिमाचल के निर्माण में यशवंत सिंह परमार के योगदान को याद किया गया। उन्होंने कहा कि यशवंत सिंह परमार ने हिमाचल की मजबूत नींव रखी थी, जिसकी वजह से आज हिमाचल विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। यही वजह है कि आज सभी प्रदेशवासी उन्हें कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि यशवंत सिंह परमार के अथक प्रयासों की वजह से हिमाचल मैदानी क्षेत्र से अलग होकर अस्तित्व में आया है। यशवंत सिंह परमार ने सरकारी नौकरी को छोड़कर अपना जीवन प्रदेश के नाम कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश में विकास की इबारत लिखी गई, जिसे आज समूचा प्रदेश याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास में दर्ज है कि जब यशवंत सिंह परमार प्रदेश का गठन कर रहे थे तो कई राजनीतिक दल उनका विरोध भी कर रहे थे और उन्होंने स्टेट हुड मारो डूट का नारा भी दिया था। उन्होंने कहा कि उसी सोच के लोग अभी तक प्रदेश में हावी हैं। पूरा प्रदेश ऐतिहासिक पुरुष डॉक्टर वाई एस परमार, जो हमारे हिमाचल के निर्माता थे, मैं समझता हूँ उनके भरसक प्रयत्नों से मैदानी इलाके से हम अलग हुए और एक अलग पहाड़ी राज्य बना। आज पूरा राष्ट्र, पूरा प्रदेश उन्हें याद कर रहा है। उनके किए कार्य, एक छोटी से ग्राम में बागथन में 1906 में उनका जन्म हुआ था और एक मजिस्ट्रेट की नौकरी को उन्होंने दरकिनारे करते हुए प्रदेश के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ करने की ठान कर वो प्रदेशवासियों की सेवाओं में लगे और उसी का ही नतीजा था कि हमारा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अस्तित्व में आया। और आज हम लोग जो विकास के नए आयाम बना रहे हैं, कांग्रेस कार्यकाल में जो नए आयाम बने, उनके नेतृत्व में जो यहाँ काम हुए, उनके नेतृत्व में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का विकास हुआ, वो अपने आप में एक उदाहरण है। मुझे याद आ रहा है, लिखा हुआ जो हमारे इतिहास में लिखा है कि जब वो हिमाचल प्रदेश को बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य की मांग कर रहे थे और जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश का गठन करने का ऐलान किया, उस दिन और राजनीतिक पार्टियाँ जो आजकल इस प्रदेश की बहुत बड़ी हितैषी बनती हैं, उन दिनों वो नारा लगा रहे थे कि स्टेट हुड मारो ठुड। वो लोग मैदानी इलाकों के साथ रहना चाहते थे, पंजाब के साथ रहना चाहते थे। प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो प्रदेश में हावी हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इस पर्व पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज पूरा प्रदेश अपने नेता के प्रति श्रद्धा के सुमन समर्पित कर रहा है। जिला कांग्रेस सोलन भी आज यहाँ इस अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने ऐतिहासिक नेता को याद करने के लिए, उनके जन्मदिवस को मनाने के लिए और उनकी स्मृतियों में श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुई है।